सी आई टी एन आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा सात की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनि पाठ अध्याय आठ राशियों की तुलना पृष्ठ एक सौ चौहत्तर आठ दशमलव तीन दशमलव तीन दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमने देखा कि साधारण भिन्नों को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है अब आइए देखें दशमलव भिन्नों को भी प्रतिशत में कैसे बदला जाता है उदाहरण दस दिए गए दशमलवों को प्रतिशत में बदलिए ए शून्य दशमलव सात पांच बी शून्य दशमलव शून्य नौ सी शून्य दशमलव दो हल ए शून्य दशमलव सात पांच बराबर शून्य दशमलव सात पांच गुणा सौ प्रतिशत बराबर पिछहत्तर बटा सौ गुणा सौ प्रतिशत बराबर पिछहत्तर प्रतिशत बी शून्य दशमलव शून्य नौ बराबर नौ बटा सौ बराबर नौ प्रतिशत सी शून्य दशमलव दो बराबर दो बटा दस गुणा सौ प्रतिशत बराबर बीस प्रतिशत प्रयास कीजिए एक निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए ए बारह बठा सोलह बी तीन दशमलव पांच सी उनचास बटा पचास डी दो बटा दो ई शून्य दशमलव शून्य पांच दो एक बत्तीस विद्यार्थियों में आठ अनुपस्थित हैं विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत अनुपस्थित है दो पच्चीस रेडियो सेट में सोलह खराब हैं खराब रेडियो सेटों का प्रतिशत क्या है तीन एक दुकान में पांच सौ पुर्जे हैं जिनमें पांच बेकार हैं बेकार पुर्जों का प्रतिशत क्या है चार एक सौ बीस मतदाताओं में से नब्बे ने हां में मत दिया कितने प्रतिशत ने हां में मत दिया पृष्ठ एक सौ पिछहत्तर आठ दशमलव तीन दशमलव चार प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना अभी तक हमने साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदला हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं यानी प्रतिशत दिए होने पर उसे साधारण या दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हैं निम्न तालिका को ध्यान से देखकर पूरा कीजिए प्रतिशत साधारण भिन्न दशमलव भिन्न एक प्रतिशत एक बटा सौ शून्य दशमलव शून्य एक दस प्रतिशत दस बटा सौ बराबर एक बट्टा दस शून्य दशमलव एक शून्य पच्चीस प्रतिशत डैश डैश पचास प्रतिशत डैश डैश नब्बे प्रतिशत डैश डैश एक सौ पच्चीस प्रतिशत डैश डैश दो सौ पचास प्रतिशत डैश डैश ऐसे कुछ अन्य उदाहरण बनाइए और उन्हें हल भी कीजिए किसी वस्तु के सभी भाग मिलकर सदैव एक संपूर्ण वस्तु बनाते हैं रंगीन टाइलों बच्चों की ऊंचाइयों तथा वातावरण में गैसों के उदाहरणों में हमने देखा कि जब हम उनके प्रतिशतों को जोड़ते हैं तब सौ ही प्राप्त होता है वे सभी भाग मिलकर जो एक पूर्ण वस्तु बनाते हैं जोड़ने पर एक या सौ प्रतिशत देते हैं अतः यदि दो भागों में एक भाग दिया हो तब हम दूसरा भाग ज्ञात कर सकते हैं निम्न उदाहरण पर विचार कीजिए विद्यार्थियों की दी गई संख्या में तीस प्रतिशत लड़के हैं इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सौ विद्यार्थी हैं तो उनमें तीस लड़के हैं तथा शेष लड़कियां होंगी स्पष्ट है कि लड़कियां होंगी सौ घटा तीस प्रतिशत बराबर सत्तर प्रतिशत प्रयास कीजिए एक पैंतीस प्रतिशत जमा डैश प्रतिशत बराबर सौ प्रतिशत चौसठ प्रतिशत जमा बीस प्रतिशत जमा डैश प्रतिशत बराबर सौ प्रतिशत पैंतालीस प्रतिशत बराबर सौ प्रतिशत घटा डैश प्रतिशत सत्तर प्रतिशत बराबर डैश प्रतिशत घटा तीस प्रतिशत दो किसी कक्षा के विद्यार्थियों में पैंसठ प्रतिशत के पास साइकिलें हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं? तीन हमारे पास सेब संतरों तथा आमों से भरी एक टोकरी है यदि उसमें पचास प्रतिशत सेब तथा तीस प्रतिशत संतरे हैं तब आमों का प्रतिशत कितना है सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एक परिधान के बनाने पर हुए व्यय को देखिए कढ़ाई पर बीस प्रतिशत कपड़े पर पचास प्रतिशत सिलाई पर तीस प्रतिशत क्या आप कुछ अन्य ऐसे ही उदाहरण दे सकते हैं पृष्ठ एक सौ छिहत्तर आठ दशमलव तीन दशमलव पांच अनुमान के साथ मनोरंजन प्रतिशतता एक दिए क्षेत्रफल के किसी भाग का अनुमान लगाने में सहायता करती है उदाहरण ग्यारह निम्न आकृति में छायांकित भाग पूर्ण का कितने प्रतिशत है हल पहले हम देखते हैं कि पूर्ण आकृति का कितना भाग छायांकित है इस प्रकार प्राप्त भिन्न से छायांकित भाग की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है आप देख सकते हैं कि पूर्ण आकृति का आधा भाग छायांकित है तथा आधा बराबर एक बट्टा दो गुणा सौ प्रतिशत बराबर पचास प्रतिशत इस प्रकार पचास प्रतिशत छायांकित है निम्न आकृतियों का कितने प्रतिशत छायांकित है यहां दो आकृतियां दी गई हैं आप इसी प्रकार कुछ अन्य आकृतियां बना सकते हैं और अपने साथियों से छायांकित भाग अनुमान करने को कहिए आठ दशमलव चार प्रतिशतता के उपयोग आठ दशमलव चार दशमलव एक प्रतिशतता की व्याख्या आपने देखा कि तुलना करने के लिए प्रतिशतता कितनी उपयोगी है हमने साधारण व दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना भी सीखा अब हम देखेंगे कि प्रतिशतता दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग में लाई जा सकती है इसके लिए हम निम्नलिखित कथनों की व्याख्या से आरंभ करते हैं रवि अपनी आय का पांच प्रतिशत बचत करता है रेखा को प्रत्येक पुस्तक बेचने पर दस प्रतिशत लाभ मिलता है मीरा के बीस प्रतिशत वस्त्र नीले रंग के हैं इन कथनों में प्रत्येक से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं पांच प्रतिशत से हमारा तात्पर्य है सौ में से पांच भाग तथा इसे हम लिखते हैं पांच बटा सौ इसका अर्थ है कि रवि अर्जित किए गए प्रत्येक सौ रुपये में से पांच रुपये बचाता है इस प्रकार आप भी ऊपर दिए गए अन्य कथनों के अर्थ लगाइए पृष्ठ एक सौ सतहत्तर आठ दशमलव चार दशमलव दो प्रतिशतता से संख्या ज्ञात करना निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए उदाहरण बारह चालीस बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि पच्चीस प्रतिशत फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था हल यहाँ पर बच्चों की कुल संख्या चालीस है इनमें से 25 प्रतिशत फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं मीना और अरुण ने ऐसे बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त की आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इनमें से कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं अरुण ने इस प्रकार हल किया सौ में से फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले बराबर पच्चीस अतः चालीस में से फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले बराबर पच्चीस बटा सौ गुणा चालीस बराबर दस मीना ने इस प्रकार हल किया चालीस का पच्चीस प्रतिशत बराबर पच्चीस बटा सौ गुणा चालीस बराबर दस इस प्रकार चालीस बच्चों में दस फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं प्रयास कीजिए एक ज्ञात कीजिए ए एक सौ चौसठ का पचास प्रतिशत बी बारह का पिछहत्तर प्रतिशत सी चौसठ का बारह एक बटा दो प्रतिशत दो पच्चीस बच्चों की कक्षा में आठ प्रतिशत बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए उदाहरण तेरह जब पच्चीस प्रतिशत छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और दो सौ रुपये बचाए छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था हल राहुल ने दो सौ रुपये बचाए जब पच्चीस प्रतिशत छूट मिली यानी मूल्य में पच्चीस प्रतिशत कम होने के कारण राहुल को दो सौ रुपए की बचत हुई आइए देखें कि मोहन और अब्दुल ने स्वेटर का प्रारंभिक मूल्य कैसे ज्ञात किया मोहन का हल वास्तविक मूल्य का पच्चीस प्रतिशत बराबर दो सौ रुपये माना मूल्य है पी रुपये अतः पी का पच्चीस प्रतिशत बराबर दो सौ अर्थात पच्चीस बटा सौ गुणा पी बराबर दो सौ अर्थात पी बटा चार बराबर दो सौ या पी बराबर दो सौ गुणा चार अतः पी बराबर आठ सौ रुपये अब्दुल का हल प्रत्येक सौ रुपये पर पच्चीस रुपये की बचत होती है तब दो सौ रुपये की बचत इस राशि पर होगी बराबर सौ बटा पच्चीस गुणा दो सौ बराबर आठ सौ रुपये दोनों ने ही स्वेटर का वास्तविक मूल्य आठ सौ रुपये ज्ञात किया पृष्ठ एक सौ अठहत्तर प्रयास कीजिए एक नौ किस संख्या का पच्चीस प्रतिशत है दो पंद्रह किस संख्या का पिछहत्तर प्रतिशत है प्रश्नमाला आठ दशमलव दो एक दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो ए एक बठा आठ बी पांच बटा चार सी तीन बटा चालीस डी दो बटा सात दो दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो ए शून्य दशमलव छह पांच बी दो दशमलव एक सी शून्य दशमलव शून्य दो डी बारह दशमलव तीन पांच तीन अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है यहां तीन वृत्त दिए गए हैं एक, एक बटा चार वृत्त रंगा गया है दो तीन बटा पांच वृत्त रंगा गया है तीन तीन बटा आठ वृत्त रंगा गया है चार ज्ञात कीजिए ए दो सौ पचास का पंद्रह प्रतिशत बी एक घंटे का एक प्रतिशत सी दो हजार पांच सौ का बीस प्रतिशत डी एक किलोग्राम का पिछहत्तर प्रतिशत पांच संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ए इसका पांच प्रतिशत छ सौ है बी इसका बारह प्रतिशत एक हजार अस्सी है सी इसका चालीस प्रतिशत पांच सौ किलोमीटर है डी इसका सत्तर प्रतिशत चौदह मिनट है ई e. इसका आठ प्रतिशत चालीस लीटर है छ दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो ए 25 प्रतिशत बी 150 प्रतिशत सी 20 प्रतिशत डी 5 प्रतिशत सात एक नगर में 30 प्रतिशत महिलाएं 40 प्रतिशत पुरुष तथा शेष बच्चे हैं बच्चों का प्रतिशत कितना है आठ किसी क्षेत्र के पन्द्रह हजार मतदाताओं में से साठ प्रतिशत ने मतदान में भाग लिया ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया नौ मीता अपने वेतन में से चार हजार रुपए बचाती है यदि यह उसके वेतन का दस प्रतिशत है तब उसका वेतन कितना है दस एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी सीजन में बीस मैच खेले इनमें से उस टीम ने पच्चीस प्रतिशत मैच जीते जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी अभी आप सुन रहे थे कक्षा सात की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम समन्वयक डॉ राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर गौरव मारवा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आईई टी एनसीआईटी नई दिल्ली भारत